मध्य प्रदेश का ये वीडियो एक निजी अस्पताल में शादी समारोह का है। खास बात यह है कि इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो 2006 में आई शाहिद कपूर और अमृता राव स्टार फिल्म विवाह में हुआ था। यूकी उज्जैन निवासी दुल्हा राजेंद्र चौधरी बारात लेकर खंडवा के अवस्थी चौराहा स्थित एक नर्सिंग होम में पहुंचे। यहां उन्होंने गंभीर रूप से घायल दुल्हन शिवानी सोलंकी से शादी की। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में ही गणेश पूजन किया और दुल्हा दुल्हन के साथ फेरे करवाए। दूल्हे ने पलंग पर लेटी हुई दुल्हन की मांग भरकर शादी करवाई। उसके बाद दुल्हा ने दुल्हन को गोद में लेकर साथ फेरे ले लिए और जीवन भर साथ निभाने का वचन लिया। शादी में डॉक्टर, नर्स और नर्सिंग होम के स्टाफ ने घराती बनकर बारातियों का स्वागत किया और दूल्हा दुल्हन को जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। अस्पताल में भर्ती दुल्हन शिवानी ने बताया कि शादी 16 फरवरी को खंडवा के दूध तलाई स्थित एक धर्मशाला में होनी थी। शादी से पहले वो बड़वानी जिले में अपने मामा के यहाँ गई हुई थी। 13 फरवरी की सुबह बाजार में एक वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिससे कि उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। परिजन उसे उसी दिन खंडवा ले आए और अस्पताल में भर्ती कर दिया। बहन का लड़का उज्जैन से आया है, उनकी शादी खंडवा से बढ़ावा धर्मशाला ली थी हमने। 16 तारीख को शादी करने वाले थे, मगर लड़की का एक्सीडेंट होने के कारण आज हम न्यू लाइफ हॉस्पिटल में शादी कर रहे हैं। और लड़की का एक्सीडेंट दिलवाणिया में हुआ। दिलवाणिया से बड़वानी रेफर किया था, मगर एक पांव भी खतरनाक तरीके से टूटा है, एक हाथ भी खतरनाक तरीके से टूटा है। और हम बड़वानी से गाड़ी करके खंडवा न्यू लाइफ अस्पताल ले आए हैं और हम प्राइवेट में उसका इलाज कराना चाहते हैं। हमारी बहू है, लोग बहू हमको जलाते हैं, मगर हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है। हम उसका इलाज करा के अभी ऐसी स्थिति में शादी कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीमाली ने बताया कि शादी के दिन 16 फरवरी को ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से उसकी शादी नहीं कर सकी। परिजनों ने 18 फरवरी को ही शादी कराने की अनुमति मांगी। हमने भी शुभ कार्य के लिए अनुमति दी और स्टाफ के साथ हम लोग सब शामिल हुए। डॉक्टर कीर्ति श्रीमाली ने बताया कि हमने दूल्हा दुल्हन को शुभकामनाएं देकर अस्पताल के अंदर मिठाइयां बांटी। 16 तारीख को शादी न करने के बजाय हम उसको पहले अस्पताल लाए, एडमिट किया और वो 16 को छोड़ के आज उसकी रस्म हम पूरी कर रहे हैं। लड़कियाँ भी यही पूरी जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक यही रहेगी। तो मैं तो ये बोलता हूँ हर लड़की वालों को या हर लड़के वालों को कि आने वाले कल में ऐसा व्यवहार करें कि कोई लड़की देने में भी जरा भी डरे नहीं।